जो कार्रवाई की जा रही है क्या है? अभी इसमें जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग बोरवेल था उसके बगल में 3 फीट का बोरवेल जो है, 3 फीट डाया का बोरवेल किया जा रहा है। वो ऑलरेडी 86 टू 90 फीट हो चुका है। 125 फीट तक उसको बोरवेल करेंगे वर्टिकल। जब 125 पे वो पहुंच जाएगा उसके बाद हम जो है हॉरिजेंटली जो एग्जिस्टिंग बोरवेल है उसके साथ हम उसको कट करके और फिर जो विक्टिम है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी ये जो है 86 टू 90 फीट तकरीबन हो चुका है बोरवेल। 125 होने में इसको तकरीबन 4 to 5 आवर्स और लगेंगे। वो होने के बाद जो हॉरिजेंटल कटिंग होनी है वो इमीडिएटली 30 to 45 मिनट्स किया जाएगा और फिर उसको हम निकाल सकते हैं। वो ऑलरेडी जो है हमने उसको एंकर कर रखा है और उसकी डेप्थ हमने मेजर कर रखी है और उसी डेप्थ पे वो 125 पे हाँ फिक्स है उस पर, और वो उससे नीचे नहीं जाएगा, वो सही तरीके से एंकर किया हुआ है। वो नीचे जब हम 125 की डेप्थ अटेंड कर लेते हैं फिर हम उसके बाद फिर से लोकेट करेंगे उसको लोकेशन टेक्निक से। लोकेट करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कट किस तरह से करना है, किस तरह से उसको निकालना है। बच्चे की मूवमेंट कैमरे राही हूँ तो 24 घंटे पहला खुद की बॉडी मूवमेंट मामूली जी सू महसूस हुई थी, लेकिन हूँ तो 8 घंटे पहला एक मूवमेंट महसूस हुई थी जी कि शायद कैमरा हिलन करके हुई है या बच्चे की खुद ही है, वो असं कन्फर्म नहीं कह सकते। इस टाइम हालात यह है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, साढ़े वालों कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है पर कोई फ्लूइड कोई पानी या कोई खाने की चीज़ नहीं भेजी जा सकती क्योंकि बच्चे का मूँह तो बच्चे की माउथ ओपनिंग कोई हमें सू दिख नहीं रही है। जो राहत कार्य चल रहा है उन्होंने बार बार कोई ना कोई औकड़ पेश करनी पै रही है, लेकिन वो जिस हिसाब लगे हुए हैं शाम 6-7 बजे तक बच्चा हाथ चा सकता है। फर्स्ट एड लिए साढ़े को एम्बूलेंस ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। बच्चे क्लीनअप करने तो बाद उस वेंटिलेशन दी जाएगी और फ्लूड थैरेपी स्टार्ट करने तो बाद डेफिशिएंसी रिप्लेस की जाएगी, फिर उन्होंने इमीडिएटली जिन्नी जल्दी हो सके टर्शियरी हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाएगा। 48 घंटे होने वाले सर बच्चे इस तरह इस हालात में रहना, देखो सिर्फ ऑक्सीजन ही मिली जा रही है उसनों कोई फ्लूड नहीं मिल रहा है और इन्नी गंदी कंडीशन सानू होप थोड़ी जी घट जाती है क्योंकि बच्चा पहले ही बहुत वीक है। ਬਾਕੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬੱਚਾ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ NDRF ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਂਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ 120 ਫੁੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡੈਪਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਈਪਸ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NDRF ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।